हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्योंकि अभी फेस्टिव सीजन स्टार्ट हो चुका है, दिवाली इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अमेजोन से एक कुर्ती ट्राई करूं, क्योंकि मुझे हमेशा बहुत सारी रिकमेंडेशंस में आती थी कुर्तीज जो कि 500 रुपीज की होती थी, 400 रुपीज की होती थी और मच चीपर प्राइस। तो वो हमेशा कुर्तीज मुझे दिखती थी एंड मैं हमेशा सोचती थी कि आर दे एक्चुअली लाइक दे आर शोन इन द पिक्चर, और या फिर ये जस्ट ऐसे ही है और उनकी क्वालिटी अच्छी होती है या नहीं होती, और क्या वो हमें खरीदनी चाहिए या नहीं खरीदनी चाहिए। तो इन सब चीजों को देखने के लिए आई थॉट ऑफ परचेजिंग अ कुर्ती myself, ताकि मैं देख सकूं कि आर दे रियली वर्थ द मनी यू स्पेंड ऑन देम। तो इसलिए मैंने खरीदी एक कुर्ती, तो मैं आपको दिखाऊंगी वो कुर्ती कि मैंने जो खरीदी एंड दैट इज रियली अफोर्डेबल, दैट इज अंडर 300 रुपीज। यस, यू हर्ड दैट राइट, इट इज जस्ट अंडर 300 रुपीज। तो मैंने वो ऑर्डर करी थी और मुझे वो पड़ी कुछ 270 रुपीज की, और मुझे वो डिलीवर हो गई कुछ 7 to 8 days में, और मैं आपको पैकिंग उसकी और वो कुर्ती कैसी है वो सब दिखाऊंगी। पर वीडियो स्टार्ट होने से पहले प्लीज मेक श्योर यू आर सब्सक्राइब टू माई चैनल सो दैट यू डोंट मिस एनी ऑफ माई वीडियोज। नाउ लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। तो मैंने ऑर्डर करी थी ये वाली कुर्ती, आप यहाँ स्क्रीनशॉट में देख सकते हो। अब एक बात जो ध्यान रखने वाली है वो ये है कि अमेजोन प्राइजेस आर नॉट फिक्स, बिकॉज दे हैव डिफरेंट सेलर्स और वो अपने प्राइसेस डालते हैं अमेजोन पे, एंड जब किसी चीज की डिमांड बढ़ जाती है या अगर आप उस साइट को बार बार विजिट कर रहे हो तो दी प्राइसेस कीप्स ऑन फ्लक्चुएटिंग, कभी वो ज्यादा हो जाते हैं कभी वो कम हो जाते हैं। When I ordered it, it was for 276 rupees, पर मैंने इस सेम कुर्ती को अराउंड 400 का भी देखा है। तो जब भी आपको कम से कम डील लगे, आपको लगे कि दिस इज अ गुड प्राइस, तो जस्ट परचेज इट, आप वेट मत करो, हो सकता है उसका प्राइस बढ़ जाए या हो सकता है उसका प्राइस कम हो भी जाए। आई एम नॉट श्योर कि अभी उसका क्या प्राइस है, पर when I ordered it, it was for 276 rupees, as you can see in the picture. तो मुझे ये कुर्ती कुछ 7 से 8 दिन में आई थी एंड इट केम इन दिस कार्डबोर्ड बॉक्स जो टिपिकल अमेजोन का बॉक्स होता है, बिकॉज दिस इज अ क्लोथ मटेरियल, तो इसमें इन्हें कुछ बबल रैप करने की कोई जरूरत नहीं पड़ी एंड इसमें मेरा प्रॉपर एड्रेस वगैरह सब लिखा हुआ था। एंड फिर था ये ट्रांसपेरेंट पॉलिथीन जिसपे इसकी डिटेल लिखी हुई है कुर्ती की, सो दिस इज फ्रॉम द ब्रांड जिया और इसमें साइज वगैरह सब लिखा हुआ है। एंड इसकी जो एक्चुअल कॉस्ट है दैट इज 1,332 रुपीज, और ये जुलाई का मैन्युफैक्चर्ड है। तो मैंने इसे ऑर्डर किया था साइज लार्ज में, मुझे मीडियम साइज आता है बट आई ऑर्डर्ड इट इन साइज लार्ज। और जो आप हमेशा ध्यान रखो, अगर आप कभी भी ऑर्डर कर रहे हो तो एक साइज बड़ा ऑर्डर करो, बिकॉज फिर एक्सचेंज वगैरह का प्रॉब्लम होती है, और मुझे साइज इनका लार्ज ही एग्जैक्टली फिट हुआ। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ ये कुर्ती एक्चुअली कैसी। दिस इज हाउ द कुर्ती लुक्स लाइक, इट इज एग्जैक्टली एज इट वॉज शोन इन द पिक्चर, और इसका कलर बहुत ही प्रिटी लाइट पिंक कलर है। इसके ऊपर पूरे में गोल्डन कलर के प्रिंट्स बने हुए हैं, आगे कुछ फ्लावर के डिजाइन हैं, साइड में ये पूरे में गोल्डन कलर का प्रिंट है। आई एम नॉट श्योर कि अगर इसे वॉश करेंगे तो ये प्रिंट टिकेगा या ये बस फेड हो जाएगा, आई एम नॉट रियली श्योर अबाउट दैट, पर अगर ये मैं ऐसे ही देखूँ तो बहुत प्रिटी लग रही है ये। इसकी थोड़ी सी केयर करनी पड़ेगी, अच्छे से वॉश करना पड़ेगा, यू कांट जस्ट यू नो कीप इट इन योर वॉशिंग मशीन, ऐसे ही आप इसमें नहीं फेंक सकते, और इसे थोड़ा सा अच्छे से केयर करनी पड़ेगी इसकी। और इसकी लेंथ भी अच्छी खासी है, ना ज़्यादा शॉर्ट ना ज़्यादा लंबी, एंड फिटिंग भी इसकी बिल्कुल प्रॉपर थी, मुझे इसमें कुछ भी करवाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने इसमें एक साइज़ बड़ा ऑर्डर किया, तो इफ़ यू आर थिंकिंग ऑफ परचेजिंग द सेम कुर्ती तो एक साइज़ आप बड़ा जाओ जो आप एक्चुअल साइज़ पहनते हो। इसका आगे से राउंड नेक है, पीछे से भी इसका राउंड नेक ही है, एंड इस पे ये टैग अभी ऑन है जिसपे लिखा है जिया एंड द कोड नंबर एंड ऑल, एंड हियर इज द अनदर टैग जिसपे लिखा हुआ है जिया जो इसके ब्रांड का नाम है। इसका एक्चुअल प्राइस इन्होंने कुछ 1200 रुपीज बताया है, बट आई एम नॉट रियली श्योर कि अगर मुझे 1200 में ही देंगे तो मैं खरीदूंगी या नहीं, बिकॉज इसका मटेरियल कुछ खास नहीं है, बट फॉर अ प्राइस ऑफ 270 रुपीज इट इज परफेक्ट। अगर मैं इसे 2-3 बार भी पहन सकती हूँ और ये खराब इतनी नहीं होती है, और दो तीन बार ये अच्छी से लगती है, कुछ ज्यादा फेड वगैरह नहीं होती, तो आई एम रियली सेटिस्फाइड विद इट। और मैं प्लान कर रही हूँ कि मैं इसे दिवाली पे पहनूँ अच्छे से इसे स्टाइल करके। मेरे पास एक लेगिंग है डार्क पिंक कलर की, मैं सोचूँ उसके साथ इसे पहनूँ, अदरवाइज यू कैन वेयर इट विद गोल्डन पलाजो या डार्क पिंक कलर का पलाजो या पैंट, उसके साथ भी ये काफ़ी अच्छी लगेगी। एंड आई एम इन लव विद दिस कुर्ती, अभी मैं आपको इसे पहन के दिखाती हूँ तो ताकि आपको भी पता चले किस तरह की इसकी फिटिंग है एंड एक्चुअली हाउ दिस लुक्स ऑन मी।